हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइनस ब्लेसिंग्स। लाइफ को स्टार्ट करते हैं। और मेरी 2-3 दिन से, मतलब कल से मेरी थोड़ी, मतलब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी। एक्चुअली वो जो मैंने 2 दिन पानी वानी का जो ज़्यादा काम करा ना, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, पर साफ़ सफाई के चक्कर में मैंने करा, तो उसके चक्कर में मेरी थोड़ी तबीयत मेरी अजीब सी हो गई थी। लेकिन मतलब फीवर सा, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो मैंने सॉक्स वॉक्स पहन के भी मैं कल पूरे दिन रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। लेकिन आज थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो बस मैं सोचा कि अब व्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आज मैं सिर्फ व्लॉग फिर से स्टार्ट करा है। और कल है धनतेरस, और आकाश का मन था मतलब आलू के पराठे खाने का, और मेरा ना बहुत दिनों से आलू और बथुए के पराठे खाने का मन करा था। तो अभी आकाश कुछ फ्रूट सब्जियाँ वब्जियाँ भी मतलब कल लेके आ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा आलू और बथुए की रोटी बनाया जाए, साथ में मिर्ची का अचार या फिर गुड़ और दूध ऐसा कुछ खाया जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी थोड़ा सा ठंडी वंडी सी रहती, तो बथुआ थोड़ा सा मैंने सुना है गर्म होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा वही खा लिया जाए। इतना भी गर्म नहीं होता, क्योंकि उसको मैं उबाल उबाल के खाऊँगी तो उसकी जो भी चीज़ें वैसी होती हैं वो सब चीज़ें निकल ही जाती हैं। तो बस आलू और बथुए के पराठे बनाएंगे आकाश के लिए, और अपने लिए बनाऊँगी मैं रोटियाँ। चलो जल्दी से बनाते हैं। हम मैं बना रही हूँ आलू और बथुए की रोटियाँ, और यहाँ पर मैंने पूरा पेस्ट बना लिया है, और बस आटा वाटा मार के सब तैयार है। 2-3 मिनट मैंने रोटी कर ली। आकाश के लिए पराठे खाने, तो मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, आकाश के लिए पराठे बना दूँगी बाद में। तो मैं पहले सोच रही हूँ कि 4-5 ना रोटी बना लेती हूँ, और फिर वैसे भी आकाश को 2-3 ही कह रहा था खाने के लिए, तो उसके थोड़े एंड में बना दूँगी। तो जल्दी से बनाते हैं। और आज मैंने थोड़ा सा और काम भी किया, मैं आपको वो दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या थोड़ी सी चीज़ें चेंज फूड की हैं। फिलहाल मैं जल्दी से पहले रोटी बना के फ्री हो जाती हूँ। सो खाना पीना सब बन गया है, आकाश के लिए पराठे बना दिए, और पता है फिक्स आटा मड़ा और फिक्स ही चटनी, प्रॉपर पूरा सब कुछ फिक्स मड़ा है, और सब कुछ बिल्कुल फिक्स बन के बनवा दिया मैंने। और मैंने अभी फ़िलहाल अपने लिए 2 रोटियां निकाल ली हैं आलू और बथुए की, और साथ में ले लिया है मैंने गुड़। इस टाइम पर अब जो थोड़ी ठंडी से आ जाती है ना, गुड़ इस टाइम पर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस मेरे को बहुत टाइम से मन करा था आलू और बथुआ खाने की, तो मम्मी के टाइम पर, उस टाइम मम्मी के पास थी मैं उस टाइम पर, तो मम्मी ने तब मेरे लिए बथुआ उस टाइम पर मिल रहा था, तो फिर मम्मी ने मेरे लिए आलू और पालक की बनाई थी रोटियाँ, जो कि मैं यहाँ पर लेके भी आई थी आज, जब मैं जिस दिन आकाश के पास आ रही थी। और उसके बाद फिर मैं अभी ये खा रही हूँ आलू बथुए की। आज बहुत मतलब पूरा 1 महीना हो गया लगभग, मुझे शायद ज़्यादा हो गया 1 महीने से, और अब खा रही हूँ मैं फाइनली। अब मुझे खाने के लिए मिला ही है आलू और बथुआ, तो अभी इंजॉय करते हैं विद गुड। और बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी, मज़ा आएगा। सो अभी हम मतलब कि मैं बाहर जा रही हूँ, पूरे 3 दिन बाद मैं घर से बाहर निकल रही हूँ आज, तो पॉल्यूशन की वजह से मेरे बाहर जाने का मन नहीं करता, तो इसलिए मास्क लगा के, और बस मेरा जूस पीने का मन कर रहा था घर में। मैंने आज ऑरेंज जूस खुद निकाला था घर में, वो भी आता, लेकिन अभी मेरा फिर से पीने का मन कर रहा था। ऑरेंज खत्म हो गए, तो आकाश निकल मैं भारी प्लाग लाता हूँ। कल वैसे भी धनतेरस है, सिर्फ कल कल की बात है, और फिर परसों वैसे भी हम घर जाएंगे। सो चलो हम बाहर चलते हैं, पूरे 3 दिन बाद घूम के आते हैं बाहर। थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि 3 दिन से बिल्कुल बाहर में बिल्कुल निकली, अपने घर से बाहर ही निकली हूँ। चलो भी चलते हैं। पीछे लगी हुई थी, देखो यहाँ भी लगी है, और इधर भी लगी हुई है, साइड भी है, स्कूल है, स्कूल में भी लगा रखी है, आगे देखो बिल्डिंग पे भी लग रही है दुक्का दुक्का। घर आके मैंने बनाए हैं अपने लिए और आकाश के लिए उत्पम, और हम वो बस एंजॉय करें और फिर सोएंगे। The next day. तो गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे, और अभी मैं खा रही हूँ फ्रूट्स। और कल रात को इतनी भयंकर वाली बारिश हुई है ना, कि मौसम देना कितना साफ हो गया, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। जो पॉल्यूशन था वो अब नहीं चला गया, लेकिन अब दिवाली के बाद फिर से लग रहा है मुझे पॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, मतलब हल्की फुल्की बूंदा बांदे भी हो रही हैं, हो रही हैं बाबा, शुरू हो गई हैं फिर से। और मैंने कल किया था, ये लगाई थी मैंने लाइटिंग ऐसे करके ऊपर, और कल जो मतलब परसों मैंने जो मतलब डिज़ाइन किया था वो ये था। और ये यहाँ पर मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं, ये प्लांट्स वगैरह लगाए हैं और कुछ प्लांट्स वगैरह इधर हो गए, तो ऐसे करके पूरी चेंजेस किए हैं। बहुत जल्द मैं इस पर ही पेंट करने वाली हूँ, आफ्टर दिवाली ही करूँगी, अब टाइम तो लगेगा नहीं उससे पहले। तो ये पूरा हो गया है, अच्छी खासी स्पेस हो गई है। बादल बहुत तेज़ गजर रहा है अभी भी, और रात को बहुत गंदा गजर रहा है। रात को इवन ऐसा भी हुआ कि एक बार मतलब बहुत तेज़ तेज़ गजर रहा था, तो मैं सो रही थी तो एक बार बहुत तेज़ से गजरा और मैं एकदम से चिल्ला उठी, मतलब डर गई थी मैं। फिर आकाश ने बोला क्या हो गया क्या होगा, मैंने कहा कि बहुत तेज़ आवाज़ आई ऐसे कुछ हुआ, तो फिर आकाश ने तो मेरे को बोला कि अरे बारिश हो रही है, बादल गजर रहे हैं इसलिए आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तब जाके मैं शांत से सोई, वरना मैं बहुत तेज़ बहुत पूरी मतलब एकदम काँप गई थी मैं उठ गई उसे। ठीक है, होता रहता है सब चीज़ें। अभी पर बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, मैं दो तीन दिन से घर से बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन अब इस मौसम को देख के मेरा मन कर रहा है कि हाँ थोड़ा सा बाहर घूमने जाया जाए, और बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल चलो फ्रूट्स खाते हैं और मौसम को इंजॉय करते हैं। मैं इस चक्कर में पता ये वाला गेट भी नहीं खोलती थी क्योंकि पॉल्यूशन के चक्कर में इतना गंदा बाहर काम हो रहा था, लेकिन अब इतनी अच्छा लग रही है, फ्रेश हवा भी आ रही है और बड़ा अच्छा ही मौसम हो रहा, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। सो आई एम सॉरी मैं भूल गई आपको हैप्पी धनतेरस बोलना, तो सबको 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 हैप्पी धनतेरस, आपके परिवार को, आपको, और बस खुश रहो, मज़े करो, इन्जॉय करो लाइफ को, और बस खुश रहो। इससे ज़्यादा देखो और इससे बड़ी कोई चीज़ और हो नहीं सकती खुश रहने ज़्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ खुश रहो बस। हमारे घर की ऑलमोस्ट साफ़ सफाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और बस अभी एक ये वाला फ़ैन और एक वो रूम वाला जो फ़ैन है वो रह गया, जो कि वो आकाश आज ही आके साफ करेगा। अभी फिलहाल जैसे धनतेरस है तो आज आकाश के स्कूल में थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन है दिवाली का, धनतेरस का, तो वो आज कुर्ता उर्ता पूर्ण पहन के पूरा तैयार व्यार होके गया है। और मैं बस उसको भेज कर मैं सो गई फिर से, क्योंकि पता नहीं एकदम तो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही है। जब बना कि जब वो बीमार थोड़ा थोड़ा होते हो हल्के फुल्के जैसे फीवर वगैरह सब कुछ आता है, तो वो दो तीन दिन में जाके थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा बॉडी नॉर्मल होती है, तो बस वही सब चीज़ें होती। आकाश मस्त अपना कुर्ता पजामा पहन के इन्जॉय करने के लिए है। और उसके अलावा आज दीदी भी से आज मैंने दीदी को लास्ट बुलाया था, फिर अब दिवाली के बाद बुलाएंगे, तो दीदी को भी मैंने एक सूट दिया है। और उसके अलावा मैंने उनकी छोटी जो बेटी है उनके उसके लिए दो तीन स्वेटर हैं, दो तीन वैसी ड्रेसेस हैं, तो वो मैं कल गई थी जब मैं लेके आई थी, वो मैंने सब चीज़ें व्लॉग में नहीं दिखाई क्योंकि मेरा बिल्कुल ऐसे दिमाग से ही निकल गया वो सब चीज़ें शूट करना, तो वो सब चीज़ें मैंने उनको दी हैं, वो बहुत खुश हुई हैं, उनको अच्छा लगा, सूट वगैरह भी बहुत अच्छा लगा उन्हें। और बस अभी मतलब ये सारी चीज़ें हो चुकी है, घर की सफाई भी हो गई, दीदी सफाई करके चली गई हैं, अभी मुझे सिर्फ खाना पीना बनाना है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, तो देखते हैं। या तो बनाऊँगी आलू मेथी, मैंने आज तक उसे बनाई भी नहीं कभी आलू मेथी, तो वो ट्राई करेंगे या बनाएंगे आलू मेथी, तो उससे पहले मुझे मेथी साफ़ करनी पड़ेगी, मैंने साफ़ नहीं करी क्योंकि, तो आलू मेथी बनाएंगे। और उसके अलावा देखते हैं क्या बनाएंगे उसके साथ में, थोड़ी सी फली भी रखी है ग्वार की फली, तो सोच रही वो भी बना दूँगी साथ में, क्योंकि आज थोड़ी बहुत सब्जी खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा सिर्फ पालक बचेगा, तो कुछ की हम रोटी बना लेंगे और कुछ फिर हम घर वापस ले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ क्योंकि आकाश भी आएगा तो उसको ही भूख लगेगी। आज मैंने उसके लिए कोई टिफ़िन पैक नहीं करा क्योंकि मेरी थोड़ी हालत वैसी खुद ख़राब होती है, और कल भी मेरी ऐसी हालत थी और परसों भी, तो तीन दिन से मैं उसके लिए कोई टिफ़िन पैक नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए कल व्लॉग भी नहीं आया था क्योंकि मेरी हालत ठीक से नहीं थी, कुछ शूटेड भी नहीं था, कुछ शूट किया ही नहीं था मैंने, इसीलिए कल अब व्लॉग नहीं आया कोई सा भी। और बस अभी चलो खाना पीना बनाऊंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, और आज हम बहुत सारी चीज़ें और भी करेंगे क्योंकि हमारी एक तरीके से देखा जाए तो इस घर में जो फेस्टिवल हमारा बनता है मतलब दिवाली वाले, उसमें तो सिर्फ धनतेरस मना पाते हैं, तो आज हम दिया विया लगाएंगे, अच्छे से तैयार वैयार होंगे, घर को सजाएंगे, और थोड़े से फ्लावर व्लावर और लेके आने, जैसे कि ये लगे हुए हैं, ये तो मैंने पहले लगा दिए तो इनमें कुछ चेंजेस करने ही नहीं है, बस कुछ और ऐसे फ्लावर लेके आना जो कि मुझे इधर लगाने हैं लॉबी में, जो कि थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, और एक लाइट और है जो कि हम बाहर लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं ना आपको आराम से मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी क्योंकि इस व्लॉग में ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा सब चीज़ें, रंगोली वंगोली बनाऊंगी और वो सारी चीज़ें सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। वो हम मतलब ये कि वो एक ही बस यही है फेस्टिवल जो हम यहाँ बना पाते हैं, क्योंकि भाई ये भी अपना घर है, इसमें भी लक्ष्मी जी आने चाहिए, गणेश जी आने चाहिए, तो उनके लिए भी सारी चीज़ें हम यहाँ पर अच्छे से पूरा सजा वजा के जाएंगे जिससे कि वो हमारे घर भी आएँ। और बस इतना ही है इस व्लॉग में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दिवाली के लिए, घर पर जाऊँगी तब, बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि वहाँ पर पोल्यूशन ना हो जाए उसकी वजह से, क्योंकि उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है और बेबी को भी, तो मैं थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ
कि पॉल्यूशन वाली जगह पर ज़्यादा ना जाऊँ। फिर से मैं अपना मास्क लेके जाऊँगी, अगर ऐसा कुछ लेगा तो मास्क लगा के ही थोड़ा बहुत बाहर निकलूँगी, वहाँ निकलूँगी भी। तो बस अभी इतना ही था, मैं बहुत लंबा बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, तो फिलहाल इस वीडियो को ही एंड करते हैं। एंड आई होप लाइक दिस वीडियो, के वी कैन चेक लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और बस खुश रहो, हैप्पी रहो, फैमिली के साथ रहो, इन्जॉय करो उस पूरे मोमेंट को। दिवाली फेस्टिवल ये सारी चीज़ें फैमिली के साथ ही अच्छी लगती हैं, तो बस खुश रहो। बाय बाय।